गुलाब के फूल जो लाल रंग के होते हैं और ओरिजिनल जिसको गुलाब कहते हैं वो गुलाब। वैसे तो कई रंगों में गुलाब आते हैं लेकिन जो ओरिजिनल होते हैं वो लाल गुलाब, उनके बहुत ही ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक फायदे भी होते हैं उसमें, और उसमें कई औषधीय गुण भी पाए जाते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। गुलाब की पत्तियों का सेवन करने से आपका वजन घटता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी पाया जाता है। इसकी पत्तियों के पेस्ट को आप मेथी या पानी के साथ मिलाकर सेवन करती हैं तो आपका अतिरिक्त वजन घटता है। गुलाब की पत्तियों से जो गुलकंद बनता है उसका सेवन करने से हड्डियां मजबूत बनती हैं। गुलाब की पत्तियां आपके चेहरे को निखारने का अच्छा कार्य करती हैं। इसके लिए आप मुल्तानी मिट्टी में गुलाब की पत्तियों को पीसकर अपने चेहरे पर हफ्ते में एक बार जरूर लगाएं। ऐसा करने से आपके चेहरे से दाग धब्बे और कील मुहासों के निशान कम होते हैं और त्वचा स्वस्थ रहती है। गुलाब की पत्तियों के सेवन से आपकी शारीरिक और मानसिक थकान भी दूर होती है। यदि आप तनाव में हैं और आपको रात को जल्दी नींद नहीं आती तो आप गुलाब की पत्तियों को अपने सिरहाने रखकर सोएं। इससे आपको अच्छी नींद आएगी और तनाव कम होगा। यदि आपको शारीरिक थकावट रहती है तो आप गुनगुने पानी में गुलाब की पत्तियों को डालकर स्नान करें, इससे आपकी थकावट दूर होगी। गुलाब के फूल की पत्तियां आपके होठों के लिए भी बहुत उपयोगी होती हैं। यदि आप इनका सेवन करती हैं तो आपके होठ हमेशा खिले खिले रहेंगे। इसके अलावा आप गुलाब की पत्तियों का पेस्ट बनाकर अपने होठों पर लगा सकती हैं। ऐसा करने से आपके होठ हमेशा गुलाबी रहेंगे। गुलाब का गुलकंद आपको डिहाइड्रेशन से बचाता है और गर्मियों में आपके शरीर को ठंडक पहुंचाता है। इस तरह से देखा जाए तो गुलाब के स्वास्थ्यवर्धक फायदे बहुत हैं, जिनको अपनाकर आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकती हैं। इसमें कई विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट गुण मौजूद होते हैं जो त्वचा के रूखेपन को दूर करके उसमें निखार लेकर आते हैं। हमारे चेहरे के लिए गुलाब जल भी बहुत फायदेमंद होता है। गुलाब जल आसानी से बाजार में मिल जाता है। वो कोमल और निखरी त्वचा देता है। इसमें एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं जो चेहरे को गंदगी, आंखों को धूल और मेकअप प्रोडक्ट्स के केमिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। इतना ही नहीं, इसे दूध के साथ मिलाकर लगाने से आंखों के काले घेरे दूर होते हैं। ये चेहरे को साफ करने के लिए बहुत बेहतर उपाय है। इसके लिए आप कॉटन को गुलाब जल में भिगोकर इस्तेमाल कर सकती हैं। झुर्रियों की समस्या को खत्म करने के लिए आप गुलाब जल को नियमित तौर से अपने चेहरे पर लगाएं। इससे आपकी झुर्रियों की समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा और आपको खूबसूरत त्वचा मिलेगी। सिरदर्द की समस्या ठीक करने के लिए गुलाब की खुशबू बहुत फायदेमंद होती है। ये तनाव को दूर करके मूड तरोताजा करती है। चिंता को दूर कर राहत और सुकून का एहसास कराते हैं ये पत्ते। इससे मूड ठीक रहता है और चेहरे पर ग्लो आता है। अपने आसपास गुलाब के फूल रखें। मैं एक बार फिर कह दूं, लाल गुलाब जो होता है, जो ओरिजिनल गुलाब होता है लाल, यहाँ हम उसकी बात कर रहे हैं। तो रखिए गुलाब को अपने साथ और रहिए तरोताजा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।